सो व्हाट्सअप गाइस, और आज का दिन हमारा अल्ट्रा लेट हुआ शुरू। हमारी एक प्लानिंग थी उमंग के साथ जो कि फेल हो गई। हमें जाना था एक जगह शूट के लिए, और लेकिन उमंग को भी कहीं जाना पड़ा एकदम से, उसके लिए ड्यूटी कॉल्स आ गए जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए। और सीन अभी ये है कि अभी हम तो कितना बज गया, अभी बज रहा है 9:00, और अभी हम लोग अपना कुछ काम वाम निपटा के आए। 3 घंटा की हम लोगों ने लोको की स्ट्रीम करी, फिर मैंने फेसबुक का एक वीडियो रिकॉर्ड करा, और फिर अभी मैं मतलब अपने स्ट्रीमिंग रूम से निकला, मैंने देखा एक मदहोश करने वाली खुशबू आ रही है। फिर हमने देखा यहाँ पे उमंग भाई अपना नए एक्वेरियम का जो है पेंटिंग शेंटिंग कर रहे हैं। ये उमंग भाई का हॉस्पिटल एक्वेरियम है ना इसमें हॉस्पिटल। हाँ, इसका कोई अच्छा नाम दो। हॉस्पिटल एक्वेरियम क्या होता है? नर्स, हमारी नर्स। तुम वार्ड बॉय? तुम नर्स। ये वो हमें तुम वैसे वाले गेटअप में चाहिए जैसे जोकर था डार्क नाइट में। बोलो। हाँ। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ऐसे यहाँ तक वाइस सीरियस करके, ठीक है। तो खैर इसका लॉजिक क्या है? क्या वो लोग को ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं मिले किसी और से, मतलब खाली सामने से दिखे आजू बाजू से डरना लगे। मतलब नहीं, इस एक्वेरियम का लॉजिक क्या है, ये क्यों है? हॉस्पिटल टाइम क्या फिर, मतलब अब ये इतना वो जो बड़ी बड़ी है ना। हाँ, जो एक रहेगा की है, एक नमन की है, मेरी आना बाकी है अभी। हाँ। गाइस मेरी वाली आना बाकी है, उमंग ने अभी तक मुझसे पूछा नहीं है इस चीज के लिए। हम उस दिन वहां तुमको मंदिर में लेके गया था पूरा, तो अभी मुझे लेकर चलना और मैं अपने लिए एक पिराना ढूंढ के लाऊंगा, और जब तुम्हारी सारी मछली को खा जाएगी तुम्हारी रहेगा सब जा रहे हो ना। मैं एक पिराना लेकर आऊंगा, सबको खा जाएगी। लेकिन हाँ, तुम बता रहे थे कुछ उसका लॉजिक। तो वही अभी थोड़े बहुत डरे हुए, एक जो है नीचे वो डरी हुई से। अच्छा, वो लेफ्ट में यहाँ पे इस जगह पे नीचे। और एक वो है जो राजा बन के घूम रहा है अभी। किधर? वो बड़ा वाला राजा वाला, ये लाल वाला ना ऊपर बड़ा वाला जो है ऊपर। अच्छा, ये इधर सेंटर में जो जा रहा है ये। ओके ओके ओके, यस। तो फिर ये किस लिए? ये वही चीज है, पार्टीशन जो है पार्टीशन अंदर लग जाएंगे और सबको अलग रखेंगे। अच्छा, एक जाति के बछड़ी एक तरफ, और फिर उस वाले का क्या हुआ? उस वाले का उसमें एक साथ मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, उस वाले में रहेंगी सब, इस वाले में रहेंगी सब, इसमें बोला चैलेंज चालू है, इस वाले में ये रहेगा, ये इसके प्रजाति के लिए। वो ये मर्सी का पर्सनल टैंक है, मर्सी ने इसमें अभी नामकरण नहीं कराया इन छोटू लोग का। ये हमारा घर लोगों से ज्यादा ऑफिशियली अब मरीन लाइफ का ज्यादा हो गया है यहाँ पे, वो पॉपुलेशन यहाँ पे। ये देखिए गाइस, यहाँ से देखिए आप, ये छोटू बैठा हुआ है, ये वाला सबसे आलसी है, तीन थे उसमें ये वाला सबसे आलसी है, यहीं बैठा रहता है, बाकी दो जो है अपना चिल करते रहते। दो, एक क्यों दिख रहा है? अबे तीन थे ना, एक साइड में एक नीचे। ओ ये छुपा हुआ है, ये रहा। ए निकल, बाहर निकल, ये एक छुपा हुआ है गाइस, ये रहा। अभी इसका नाम रखना बाकी है, मर्सी इज इन डीप थॉट्स ऑफ अबाउट क्या क्या इनका नाम होना चाहिए। कुछ नाम सोचा है? सुन्नी मुन्नी चुन्नी, सब तो एक ही जैसे दिखते हैं क्या? नामकरण करेंगे भी तो पहचानेंगे कैसे, कौन सा वाला कौन है। अच्छा नीचे, अच्छा है, हमारा बच्चा लोग को अच्छे से पहचान। खैर गाइस, आज हमें रात में एक वेरी इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वो एडजेक्टिव नहीं ढूंढ पा रहा मैं, वेरी स्वीट गाय इज गोइंग टू जॉइन अस इन द गेमिंग हाउस टू नाइट। कौन है भाई ये? क्या गुम हो गया है? ठीक है, और जो वो जो स्वीट गाय जिनको ज्वाइन करना है आज हमें, वो गुम गए हैं, उनका अभी कॉल आया है उमंग के पास। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो गुम गए हैं उनको अब हम लोग स्कूटी से लेने जा रहे हैं, बहुत हालात ख़राब है। चल भाई, गाना था वो भी एक टाइम पे बहुत चला था। आए जॉनी लीवर का वो गाना बहुत चला था। कौन सा? यही असलम भाई। असलम भाई, हाँ। असलम भाई तो इट वाज गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग।
भाई मैंने आज लॉन्ड्री पे 20 कपड़ा दिया। ओ एक बेट बिंग्स बोलते हैं भाई, कोई कैसे घूम सकता है भाई? तुम किस चीज से आए हो? रहते हो कैब, तुम्हें सही से एड्रेस डालना नहीं आया हमारा। ऐसे ड्यूल में आया तो है दो बार। हाँ तो बूट कैंप के डाल, मैं उसको बोला भी भाई अंदर अंदर कहाँ थे, यहाँ पे मत छोड़ो। हाँ। तो बोलते आ गया, फिर मैं बाहर निकल के भी बार बार मैप पे डाला। हाँ। तो यहाँ पे छोड़ रहा था। अच्छा आ गया। ओह गॉड, टायर गया, टायर गया, टायर गया, टायर गया। हम गाइस पंचर हो गए हैं। विंग्स का वजन बिल्कुल नहीं झेल पाए स्कूटी। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है बैंक? हवा कम। हम लोग आ गए पैदल पैदल। ओके बाय। वैसे हमें आना किधर है? ये तुम डिफरेंट गली में ले आया। आज तुम्हारी 8 घंटे की स्ट्रीम को भंग कर दिया गया है। वो चलेगा। कितना घंटा किया था? 4.5। 4.5। तो गाइस रेगा हमारी बहुत ही भारी उधारी में है और वो अभी हमें हमारा डिटेल्स उन्होंने बैंक कर दिया। अगर तेरे से कोई दोस्त उधार ले हाँ। तो माफ कर देगा उसका उधार? नहीं। Yeah, 8-bit, we are 8-bit boys now. 8-bit boys. पैसा अलग। हाँ, because दोस्ती से दिल चलता है। पर मैंने पैसे से लिए ही नहीं। लिया है। टॉपिक क्यों निकाला? ठग को देना है मेरे। हाँ, मतलब ठग मुझे देता और ये ठग को देता, तो ठग ने कहा कि तुम मांबा को दे दो। हाँ, तो ये मेरी उधारी में आ गया। Shortcut. A बी को देता, उधारी में सी को देता, अभी भी ठग ने सी से कहा कि सी को। सुनो, तुम्हें बिजनेस का रूल पता है क्या आता है? बिजनेस मुझे आते ही नहीं। गाइस हमारे घर में स्टोव, हमारे स्टोव की फैक्ट्री नहीं है। गाइस हमारे स्टोव की फैक्ट्री नहीं है। वी आर नॉट बिजनेस फैमिली, वी आर नॉट बिजनेस फैमिली। तुम्हें पता है ना, अगर मैं ना दूं तो तुम्हें कायदे से मेरे को नहीं पकड़ना, ठग को पकड़ना। नहीं नहीं नहीं, ये रूल होता है। हां तो ठीक है, ये रूल अभी हम ठग को कॉल करते हैं। करो ठग, कहो कि ठग मैं झाट नहीं दे रहा पैसे। मैं क्यों? हां गलती तुम्हारी, नहीं तुम्हें नहीं मिल रहा। मैं क्या? नहीं 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 भाई, नहीं जिधर मानो इधर रख दो। ये हमारे इंस्टेंट डायलॉग से 3-4 करोड़ गए। ये वाला मुझे हटा देना चाहिए, अब इसका कोई काम नहीं है। अच्छा गाइस, तो गाइस देखिए ये थग है, एडिटर का नंबर, ये एडिटर है, एडिटर नहीं है, राइटर नहीं है, मतलब एडिटर का नंबर है। और यहाँ पे ये रेबेल है, ये नमन है, ये मेरा एक फ्रेंड है अलीगढ़ का, ये दूसरा फ्रेंड है अरबाज दानिश, और ये मम्मी, वो ये पापा और ये मम्मी। यहाँ पे अभी हम ऐड कर देंगे मिस्टर अमीश। भाई तुम्हारा नंबर तुम व्हाट्सएप पे दो, तुम्हें कॉलें करनी पड़ती है। ये वो लोग हैं जिनको नॉर्मल कॉलें आती हैं। अच्छा जी हाँ, तुम के लैंडलाइन से तुम पहले पैसा दो मेरा। हाँ, ये क्या मांग रहे हो? आई वांट मनी मनी मनी। पैसे के पीछे भागोगे वहां बहुत जल्दी गिरोगे। तुमने ऑर्डर कर दिया? कर गाइस, टुडे टुनाइट्स पार्टी इज थ्रोन बाय बिंग्स। 69 हट चुका है, 8-bit आगे लग चुका है। पूरा भी हो सकता है शायद। 8-bit बिंग्स 69। 69 क्यों था? व्हाट इज बिंग्स पहले ये बताओ। बिंग्स चुराया हुआ नाम था रे। मेरा एक दोस्त का नाम PUBG मोबाइल ज्यादातर बिंग्स था, तो उसका फिर मैंने हर बार बिंग्स किया, फिर लोग मेरे को बिंग्स बुलाने लग गए। तो फिर हर बार बिंग्स किया? हां हर बार। हां कितनी बार? वो इसलिए हर बार रखा था, यही लोग पूछते थे। चल निकल बेटा, तेरा हो गया बेटा, इस कमरे से निकल। चल तू निकल कमरे। फिर बाद में 69 डालना पड़ा क्योंकि इट वाज अ लकी नंबर। क्या लक लाया वो आपके लिए? वो लक 8 बिट में आ गया। आ नाइस, देखा, आई लाइक दिस थिंग। सी दैट? उसके बाद दोबारा काम नहीं आता, तो वो एक बार का लक 69 काम आ गया। He is into 8-bit now. Yes. There is a black dot in your camera less down below. हाँ, वो अभी मैंने सही कर दिया गाइस। तो ऐसा हुआ था जो आप लोग ब्लॉग में, तो गाइस ऐसा हो रहा था पिछले दो व्लॉग्स में, एक आपको एक छोटा सा धब्बा दिख रहा होगा राइट में, तो वो एक इतना सा, मतलब आपको पता है डस्ट पार्टिकल का साइज कितना होता है, वो एक लेंस के सेंसर में आ गया था। अब सेंसर पे अगर मैं अपनी तरफ से कुछ छेड़छाड़ करता
तो हो सकता था लेंस पूरा बर्बाद हो जाता, सेंसर में अगर कुछ छेड़छाड़ करी तो लेंस निकालता कैमरे में से और उसको कर सकता था। तो इसलिए मैं डर रहा था, तो दो व्लॉग मैंने उसी एक डर्ट पार्टिकल के साथ कर लिया। लेकिन अब जो है बात यह है कि जनता बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि जो है लेंस में वो है दिक्कत है, तो मैंने अभी उसको अपनी समझ से कैसे तैसे जुगाड़ करके कर लिया है। लेकिन मैं इसको जाके अलीगढ़ और फिर सही से इसका केयर करवाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट टू व्लॉग्स, फॉर द पेशेंस यू हैव ऑल शोन टू मी। और तुम जल्दी से पैसा भेजाओ। पैसा तो वो लेकर भाग गई, वो बात ठीक है। गाइस देखो मैं बताता हूँ, जब तक माइनक्राफ्ट शुरू नहीं हुआ था कोई मुझसे हमेशा पूछता था माँ बाप खेलोगे स्ट्रीम पे। अब जब से माइनक्राफ्ट किसी ने शुरू करा है ना, मुझसे मेरी स्ट्रीम के लिए पूछता भी नहीं है। कैसे पूछेगा, चार बजे मैं स्ट्रीम करने गया। अरे हाँ पूछा, अभी तक पूछा कि मामा तुमने स्ट्रीम नहीं करा, तुम्हारे साथ कोई खेलने को मैं आ जाऊँ कर लो, बोला तुमने। याद है उल्लू के पट्टे, उस दिन पॉटेड जो है ग्रुप पे बोल रहा था, तू सो रहा था, मैंने कितनी शिद्दत से उठाया था तुझे, याद है? जैसे कि मेरे चैनल पे स्ट्रीम हो रही हो, तेरी स्ट्रीम के लिए मैं तुझे उठा रहा था, याद है तुझे? भूल गए वो एक हफ्ता जो सुबह खेलो लगातार? किसके लिए खेला है? तुम्हारे लिए। वो एक हफ्ता ठीक है, लेकिन अभी हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, तब तक जो है ओ गाइस अभी दो तीन दिन पहले मैं रेगा और ये खेल रहे थे, वी हैड अ वेरी लिटिल फाइट इन ड्यूरिंग द स्ट्रीम। नहीं मेरी तरफ से बड़ी थी वो। हाँ लेकिन नहीं, मैंने मुझसे बोला इन्होंने कि मैं केजे खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं केजे खेल रहा था। अरे घंटा खेल लेते चल रहे थे, मैं केजे खेल रहा था और मुझसे मैं प्लांट कर रहा था सारे अपने वो जो छुटपुट छुटपुट होते हैं कैप बी पे। इन्होंने ये फिनिक्स खेल लेते, इन्होंने कहा कि मामा तुम मार्केट खेलो, मतलब मैं प्लांट भी करूँ, 11 सेकंड 10 सेकंड मिलता है ना हर राउंड के बीच में, मैं प्लांट करूं और मैं प्लांट करके मार्केट भी भाग जाऊं। फीनिक्स खड़े हुए हैं बी पे चिल और फिर मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। और मैं बताता हूं तेरे को फिर क्या हुआ कि जो है इन्होंने जब मैंने प्लांट कर लिया बोले कि अभी तक तुम क्यों नहीं गया मार्केट, और वही मार्केट से पहले ज़ेरेफ मर गया, तो मैं नहीं गया मार्केट की बहन चो वहां पे जाके मैं अपनी किल तोड़ी दूंगा। तो मैं नहीं गया और मैं वहां जाने के बजाय मैं लॉन्ग पे जाके बैठ गया, बी लॉन्ग पे, ठीक है, बराबर है, मैं बैठ गया वहां पे कि वो मार्केट से निकल के आएंगे सीढ़ी से तो मैं मार दूंगा, समझ गया ना? वो कौन से मैप की बात हो रही है, ये एसेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, अभी जो इसमें तो उसकी बात हो रही है। इन्होंने मुझे डांट दिया, ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या चूतिया बात कर रहा है तुम, वहाँ पे ज़ेरेफ मरा है, यही वर्ड बोला था, चूतिया बात कर रहा है तुम, ज़ेरेफ मरा है, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? तो मुझे चिढ़ के बोले स्ट्रीम पे कि गाली खोल बोलने के लिए तो मुंह खुल जाता है, ये बोलने के लिए नहीं मुंह खुला कि वहाँ पे नहीं जा सकते। क्या मोबाइल क्या चला रहे, आंखों में आंखें डाल के बात कर। और मेरा जो एंड हुआ स्ट्रीम पे, बस भाई रेगा को बोल दिया भाई, बिना बात मेरा एंड हो गया, मैंने अपना स्ट्रीम चुपचाप से बंद करा। मेरी स्ट्रीम के बाद जब इन्होंने मेरी स्ट्रीम चला के देखा होगा तब इनको समझ में आया कि इनकी गलती थी। फिर इन्होंने, मैं जब सो रहा था आके इन्होंने उठाया मुझे नींद से, बुरा मान गए क्या? मैंने कहा नहीं मैं बुरा नहीं मानता। कॉपी दिया कि नहीं है? वो सब दिया इन्होंने, पर एंड तो मैं हो गया ना स्ट्रीम पे। अरे लाइक है, एंड कर दो। देखा यही है भाई, यही है। अरे उससे पहले एक बार और एंड हुआ था ना, ऑफ चल रही थी। अच्छा नमन, अभी मैं बताता हूँ, मैं अभी जो है मुझे जो चप चुप कराया गया था उसके बाद क्या हुआ था। नमन बिजी, मैं बताता हूँ ना, आज जो है किसी के ब्लॉग के लिए वो नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ आज हो जाए। तुम कभी माइनक्राफ्ट खेला है? तुमने नहीं खेला ना? तो गाइज आज मैं इनके पीछे बैठ के खेल रहा था, वेलो खेल रहा था, लोगों की स्ट्रीम कर रहा था, ये माइनक्राफ्ट की यूट्यूब की स्ट्रीम कर रहे थे, तो मैं भाई मैं मर गया तो मेरे मुंह से गाली निकल गई, तो इनकी स्ट्रीम पे चला गया होगा, इन्होंने ये पीछे मुड़े और उनका हे धीरे बोलो, मैंने कहा ठीक है मैं धीरे बोल रहा हूँ, इधर मुड़े और इन्होंने माइनक्राफ्ट में एक शीशा फोड़ दिया जो कि एक रेयर आइटम है। रेयर आइटम नहीं, बनाने में टाइम लगता है, वो इन्होंने फोड़ दिया, जिसकी खबर अभी किसी को नहीं है इनमें से, वो मैं बताऊंगा नमन माथुर को, तुम देखो और डील करो उससे, ठीक है। सो गाइस मर्सी कल गिव अवे कर रहे थे बहुत बड़े दिल से, बिग यूट्यूबर्स डूइंग गिव अवे, 500 रुपीस गिव अवे है। तो रात फिर आज जो है मर्सी के पास एक लौंडा आया जिसको गिव अवे किया था, उसने क्या बोला मर्सी? थैंक्स 8-bit बैक फॉर मर्सी ब्रो, फोकस हो जाए। हाँ क्या है, आपके गिव अवे से मैंने मॉडल की मेंबरशिप ले लिया। क्या फायदा?
इन्होंने इन्होंने रिडीम कोड दिया क्या पैसे का 500 रुपए का मॉडल का मेंबरशिप ले लिया। बाकी और लेगा ना, बाकी उसको ही सुपर चैट करेगा मॉडल को जाके। दिल टूट गया। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्या करना चाहिए था उसको तुम्हारे? अच्छा करो, कुछ गेम वेम खेलते हैं, कुछ साला गेम वेम का आइटम लेते हैं। हाँ। या तो मेरे को मेंबरशिप दे एंड में बात निकल गई। उसने इसका पैसा लेके इसका मेंबरशिप लिया, मॉडल का मेंबरशिप ले लिया। गाइस कल से 2 दिन के लिए रिटर्न होगी। हाँ, कोई गिव अवे नहीं होगा, इसलिए मर्सी का दिल टूट गया है। इससे बेहतर तो वो ये स्टोरी देख लेता, हमने आपके पैसे से आप ही का मेंबरशिप ले लिया। और क्या? तो और बूम बाम करता है ये, तुम लोग को आता नहीं है यार ये चीज़ करना। तुम्हें क्रिएटर को जो है बटरिंग करना नहीं आता है, खराब लगा है बटरिंग। हाँ जा रहा है, रुक रहा है। नहीं, क्यों रुकेगा, तुम बैठा रहे यहीं पे, स्ट्रीम करेगा। तुम्हारा भी खेलना किधर है गाड़ी? तो गाइस अब हमारे बिंग्स भैया जा रहे हैं, ये क्या मंगवाया, सिडान मंगवाओ सिडान। तो अभी बिंग्स घर पहुंचेगा एंड देन हम लोग अपनी स्ट्रीम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी स्ट्रीम पहली बार स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने आज स्ट्रीम नहीं किया था अभी तक। 10 मिनट मैं सेटअप करता हूँ यूट्यूब पर। बाय सिया। सो हम लोगों ने डिनर किया अभी सुकून से। डिनर के वक्त के सीन्स आप लोगों को दिखाए नहीं क्योंकि भड़ाबड़ करा, क्योंकि बड़े कम देर के लिए आया था बिंग्स। डिनर विनर का सामान ऑर्डर किया, डिनर आया एंड देन वी हैड डिनर ऊपर छत पे टेरेस पे। मैं, रेगा, अक्षु, मर्सी और उमंग और बिंग्स हम लोग थे। अब हम जाएंगे अपना स्ट्रीम सेटअप करेंगे। रजिस्टर बोलना था, रजिस्टर बोलता तो ये वाला चुप गया, तो ऐसा रजिस्टर ऐसा हो गया, रजिस्टर ऐसा पूरा चुप गया। 2 महीना रुको बस, 2 महीना रुक जाए तो ये फिर तुम्हारे ये ब्रेसेस हट जाएंगे। हाँ हैं, बिल्कुल, फिर तुम खूबसूरत दिखने लगोगे। अब बंद कर रहा हूँ गाइस, अभी हम लोग मिलते हैं गाइस स्ट्रीम पे। सो गाइस अभी हम लोगों की स्ट्रीम ओवर हो चुकी है एंड द स्ट्रीम वाज टोटल फन, बहुत मज़ा आया। रेगा, मॉर्टल, मैं और बिंग्स थे, हालांकि जबकि बिंग्स और मेरे साथ ही प्लान था इनिशियल स्ट्रीम करने का, लेकिन रेगा और मॉर्टल ने भी ज्वाइन किया एंड मज़ा आया। हालांकि हम हगे भरपूर, लेकिन जो है थोड़ा बहुत बढ़िया भी खेले। सो अभी कल का एज सच कोई प्लान नहीं है, आज जो शूट होना था जो कि कल पे टल गया उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड शायद परसों हम घर निकल जाएंगे अपने। सो लेट्स सी कैसे कैसे क्या हो सकता है, या तो परसों निकल जाएंगे या उसके एक दिन बाद, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी के लिए अब हम जा रहे हैं सोने के लिए ताकि कल जल्दी उठ जाएं। सो अभी के लिए वी आर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आप लोगों से कल की स्टोरी में। अंटिल देन लव यू ऑल एज ऑलवेज एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल। ये तो मतलब रात में मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो आप लोग सुबह उठ चुके होंगे जब देख रहे होंगे। मिलते हैं, ख्याल रखना अपना बहुत सारा, अगली कहानी में मिलते हैं। टिल देन सिया, बाय बाय।